नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डाल देते अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। तिरंगा यात्रा लेकर कुरवाई पहुंचे कार्यकर्ता, पथरिया मंडल युवा मोर्चा ने निकाला तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। झाबुआ में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, शासकीय कार्यालयों पर फहराया गया तिरंगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। मनावर में भी धूमधाम से मना 77वां स्वतंत्रता दिवस, देशभक्ति गानों पर जमकर थिरके लोग। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। सीहोर में उमड़ा कांवड़ियों का जनसैलाब, शिवन नदी से जल भरकर प्रारंभ हुई कांवड़ यात्रा। लाखों की संख्या में प्रदेश भर से पहुंचे कांवड़िए। शमशाबाद में लाडली बहना योजना के पैसे दिलान के नाम पर ठगी, आधार कार्ड लेकर निकाल लेते थे पैसे, एक मैसेज ने खोल दी ठगों की पोल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहाभाटा पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की लागत से बनी मां कुमारी देवी चौबे कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने मां कुमारी देवी चौबे की मूर्ति का अनावरण भी किया। वहीं इस दौरान सीएम भूपेश बघेल का क्षेत्र के नेताओं और नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। मंच को संबोधित करते हुए विधायक और स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने सीएम की जमकर तारीफ की, जिसके बाद सीएम ने अपने उद्बोधन में कहा कि उनकी सरकार ने हर संभव बेहतर कार्य करने का प्रयास किया। फिर चाहे वो किसानों के बोनस की बात हो, धान की कीमत की हो, कर्मचारियों के मानदेय भत्ते की हो या दैनिक वेतन भोगी की वेतन वृद्धि की, सबको देखते हुए जनता के हित में काम किया गया है। आज एक तो रायपुर में देवी प्रसाद चौबे जी की आज जयंती है, उसके स्मृति में वसुंधरा सम्मान समारोह का आयोजन, और ये सुखद संयोग आज माता जी कुमारी देवी चौबे की मूर्ति का अनावरण और महाविद्यालय का लोकार्पण, उसके साथ साथ 57 करोड़ से अधिक राशि के भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय का नाम जिस प्रकार से चौबे जी ने प्रस्तावित किया है कि दिग्विजयदास, राजा दिग्विजयदास जो राजनांदगांव के राजा थे, उनके नाम से लगातार मणिपुर जल रहा है। लोगों की हत्या, 150 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है और 1500 से अधिक घर जला दिए गए हैं। 50,000 से अधिक लोग मनती है कि वहां शांति बहाल की जाए, कायम किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने लोकसभा में जो बयान दिया है, बहुत ही जिस प्रकार से हंस के जवाब दे रहे थे, वो बेहद ही पीड़ादायक है। खबर रायपुर से, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर पलटवार करते हुए युवा पार्षद कांग्रेस नेता अजीत कुकरेचा ने कहा कि मुझे लगता है कि उनको जानकारी नहीं है, हमारा हिंदुस्तान गांव में बसता है, हमारी जड़ें गांव से शुरू होती है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे देश का बुनियादी स्थल एक चारागाह है और अगर हम गांव मजबूत नहीं करेंगे, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिलता है उसको मजबूत नहीं करेंगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि उनको जानकारी नहीं है कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, हमारी जड़ें गांव से चालू होती है, चारागाह एक बुनियादी स्तर है हमारे देश का, और अगर हम गांव मजबूत नहीं करेंगे, गांव को जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिलता है उस चीज को मजबूत नहीं करेंगे, तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का साथ देकर उनको आगे बढ़ा करके ये देश आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बीजेपी की खोखली मानसिकता है जो इस तरह के बयानबाजी में दिखती है। वहीं मास्को सरकार की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन अगस्त माह के आखिरी सप्ताह में किया जा रहा है, जिसके लिए मास्को की सरकार ने रायपुर महापौर एजवास ढेबर को संगोष्ठी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। बता दें कि इस संगोष्ठी का आयोजन मास्को सरकार के ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट फॉर एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य सभी देशों के प्रमुख महापौर, मंत्री और परिवहन मंत्री तथा सभी देशों को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों को एक मंच पर लाना, साथ ही आज के परिवेश में
सभी बड़े शहरों में परिवहन की समस्या और निवारण के विकल्पों पर चर्चा करना तथा परिवहन के नए आयाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार करना है। सिरोंज के पथरिया में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल पथरिया के द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये यात्रा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंकित साहू के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें पथरिया मंडल के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि युवा के हाथों में तिरंगा और पार्टी का झंडा लेकर देशभक्ति के गानों पर झूमते हुए पथरिया से मेहुलिया चौराहा होते हुए कुरवाई पहुंची। वहीं रैली का बिना तिराहे पर समापन हुआ, जिसको कुरवाई विधायक हरीफ सिंह सप्रे ने संबोधित किया। इस दौरान विधायक ने युवा मोर्चा पथरिया मंडल के कार्यकर्ताओं के आभार व्यक्त किया। जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम डीआरपी लाइन झाबुआ में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन कर मध्य प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। समारोह में कलेक्टर ने अनेकता में एकता के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारों को आकाश में उड़ाया। इस समारोह में सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने हर्ष फायर कर जय घोष किया। कलेक्टर द्वारा परेड का मार्च पास्ट पर परेड कमांडो का परिचय प्राप्त किया। इसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा पीटी प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। पूरे देश के साथ साथ मनावर में भी 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि मंदिर परिसर में बैठे सभी श्रोता देशभक्ति की ऊर्जा से ओतप्रोत हो चुके थे। पूरा परिसर भारत माता के नारों से गूंजित हो उठा। बताते कि तिरंगे के रंग में सजे बाबा खाटू श्याम का मनोहरी रूप सभी को देशभक्ति के रंग में भिगो कर राष्ट्र वंदना का संदेश दे रहा था। बता दें कि श्री खाटू श्याम वैकुंठ धाम मंदिर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शाम देश के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देशभक्त के गीतों की प्रस्तुति देकर समापन किया। सीहोर में आज पूरे देशभर के लोग पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा में विश्व प्रसिद्ध पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आह्वान पर पूरे देश से लोग सीहोर के शिवन नदी के तट पर पहुंच रहे हैं, जहां से जल भरकर कांवड़ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कुवेश्वर धाम पहुंचे। कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए भक्त एक दो दिन पहले से ही सीहोर पहुंचने लगे थे। साधना प्लस न्यूज की टीम कुवेश्वर धाम पहुंची, जहां सेवा भाव में लोगों ने से हमारी टीम ने खास बातचीत की है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव। 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या और श्रावण का जो मेल है, मिलान हुआ है। ऐसे सुंदर अवसर पर सुबह 9 बजे सीवन नदी सीहोर से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो 11 किलोमीटर की है। बाबा को कांवड़ चढ़ाई जाएगी, कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम पर जाया जाएगा। जो रूट निश्चित करा गया है, सीवन नदी से होते हुए जगदीश मंदिर चौराहा से होते हुए कोतल चौराहा, वहां से सीधे तहसील चौराहा होते हुए इंदौर नाके होते हुए बाबा के धाम पहुंचेगी। सारी व्यवस्थाएं लगभग लगभग सुचारू रूप से चल रही है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। और अगर पूरी नगर पालिका का प्रशासन जिला प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए हैं, कार्यक्रम को सफलता निश्चित ही सफल कार्यक्रम ये होगा। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई। सभी लोगों ने मिल के यहाँ पर खिचड़ी, मीठा, नमकीन, पुष्पमाला, केले से हमने पुष्पमाला से बरसा करी सभी के ऊपर। सब सामग्री हमारे द्वारा बांटी गई समिति के द्वारा। आपका संस्थान निरंतर पहले भी इन ऐसे कार्यों में भाग लेता रहा है क्या? जी, हम लोग वृद्धाश्रम में भी जाते हैं। वृद्धाश्रम में हम लोग के बच्चों के जन्मदिन होते हैं या शादी की सालगिरह होती है, तो हम वहाँ पे खाना वितरण, नाश्ता, कपड़े, वस्त्र सभी कुछ देते हैं। आजकल ठगों ने ठगी करने का नया तरीका इजाद किया है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना लाडली बहना योजना को टारगेट कर ग्रामीण क्षेत्र में भोले भाले लोगों के पास ठग सूट बूट पहनकर सरकार के नुमाइंदे बनकर पहुंच रहे हैं और अपने मोबाइल से आधार कार्ड सहित तमाम आईडी लेकर ग्रामीणों से
फिंगर लगवाकर ऑनलाइन उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन ये होशियारी ज्यादा ठगों की चली नहीं और एक मैसेज ने इनका फंडा फोड़ दिया। ग्रामीणों ने इन दोनों ठगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस दोनों ठगों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को मेरी एवं मेरे समस्त उपयंत्रियों की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्कार। आप सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, छोटे भाई बहनों को प्यार और मेरे सभी देशवासियों को और अमरवा विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ ये स्वतंत्रता दिवस हम सभी के जीवन में उन सभी से आजादी दिलाए, उन दरिंदों से जो हमारे देश में हमारी बहनों के साथ अत्याचार करते हैं, जो मणिपुर जैसी घटनाएं हम भाइयों को दिला देते हैं। मैं आशा करता हूँ इस पावन पर्व पर हमें आजादी मिले उनसे जो हमारे छोटे भाई बहनों से बातचीत करवाते हैं, आजादी मिले उनसे जो हर तरह के जातिवाद की राजनीति करते हैं। आज हम सभी को संकल्प लेना होगा इस आजादी महोत्सव में कि हम सभी एकत्रित होकर और सभी एक सोच एक विचार के साथ इन दरिंदों से आजादी लें, तभी हमारी आजादी संपूर्ण दिलाएगी। और एक बार पुनः आप सभी देशवासियों को और अमरावती विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जिला कबीरधाम पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सरपंच दिनेश ठाकुर, साथ ही सचिव पंचगढ़ों की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिला कबीरधाम पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पुसेरा सरपंच महेंद्र कुर्मी उर्फ मुन्ना, साथ ही सचिव पंचगुड़ों की ओर से देश की आजादी के पर्व 15 अगस्त की ग्रामवासियों के साथ देश की जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत महेंद्र कुर्मी सरपंच ग्राम पंचायत पुसेरा। सरपंच शंकर साहू, ललिता राज एवं समस्त पंचगण पंडरिया कबीरधाम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयां। सरपंच शंकर साहू, ललिता राज एवं समस्त पंचगण पंडरिया कबीरधाम की ओर से स्वतंत्रता हार्दिक हार्दिक बधाइयां। कबीरधाम पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत खरहट्टा सरपंच गिरीश चंद्राकर, साथ ही सचिव पंच गणों की ओर से देश समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गोहपारू निवेदक उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गोहपारू, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक। समस्त देश प्रदेश जिला तहसील जनपद पंचायत ब्लॉक नगर एवं ग्राम वासियों सहित क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं, आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। करीना बी हसन खा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देश प्रदेश जिला तहसील जनपद पंचायत ब्लॉक नगर एवं ग्राम वासियों सहित क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं, आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सिंह राजपूत सचिव ग्राम पंचायत जीरापुर, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देश प्रदेश जिला तहसील जनपद पंचायत ब्लॉक नगर एवं ग्राम वासियों सहित क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं, आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जीत राम जाटव सरपंच ग्राम पंचायत जीरापुर, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देश प्रदेश जिला तहसील जनपद पंचायत ब्लॉक नगर एवं वासियों सहित क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं, आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाबूलाल बबलू मीणा उप सरपंच ग्राम पंचायत जीरापुर, निवेदक ग्राम पंचायत जीरापुर जनपद पंचायत नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
समस्त देश प्रदेश जिला तहसील जनपद पंचायत ब्लॉक नगर एवं ग्राम वासियों सहित क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दाश यादव ग्राम पंचायत भिलाय, निवेदक ग्राम पंचायत भिलाय जनपद पंचायत गंज बसौदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देश प्रदेश जिला तहसील जनपद पंचायत ब्लॉक नगर एवं ग्राम वासियों सहित क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कश्मीरा उपसरपंच ग्राम पंचायत भिलाय, निवेदक ग्राम पंचायत भिलाय जनपद पंचायत गंज बसौदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देश प्रदेश जिला तहसील जनपद पंचायत ब्लॉक नगर एवं ग्राम वासियों सहित क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हर्ष प्रताप सिंह उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बुढ़ार, निवेदक हर्ष प्रताप सिंह उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बुढ़ार। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देश प्रदेश जिला तहसील जनपद ब्लॉक नगर एवं ग्राम वासियों सहित क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मौसमी केवट, अध्यक्ष नगर परिषद बकहो, निवेदक नगर परिषद बकहो जिला शहडोल। वैभव विक्रम सिंह उपाध्यक्ष नगर परिषद बकहो। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देश प्रदेश जिला तहसील जनपद पंचायत ब्लॉक नगर एवं ग्राम वासियों सहित क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभा मिश्रा अध्यक्ष जिला पंचायत जिला शहडोल, निवेदक जिला पंचायत अध्यक्ष जिला शहडोल। समस्त देश प्रदेश जिला तहसील जनपद पंचायत ब्लॉक नगर एवं ग्राम वासियों सहित क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गीतांजलि विहार गोरतराज जिला शहडोल, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तहेरी मेडिकल स्टोर एंड हकीमी मेडिकल स्टोर गंगा आश्रम सीहोर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों एवं शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अपील, सीहोर के सभी डॉक्टरों के द्वारा लिखी जाने वाली एलोपैथिक इंग्लिश दवाएं तहेरी मेडिकल गंगा आश्रम पर उपलब्ध हैं। प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और शहर को प्लास्टिक मुक्त कर शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनने में सहयोग करें। तहेरी मेडिकल स्टोर एंड हकीमी मेडिकल स्टोर गंगा आश्रम सीहोर। बधाई कर्ता निवेदक प्रोपराइटर ताहिर अली बुरानी, उजेफा बुरानी, अफूबुल हक, सचिन वर्मा। निवेदक तहेरी मेडिकल स्टोर एंड हकीमी मेडिकल स्टोर गंगा आश्रम सीहोर एवं समस्त स्टाफ। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इंडियन मेडिसिन एजेंसी एंड अकाउंटेंसी चैम्बर ओल्ड फायर ब्रिगेड सीहोर की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अपील, टैक्सेशन से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं, एक बार सेवा को मौका जरूर दें। बधाई कर्ता निवेदक प्रोपराइटर ताहिर अली एडवोकेट राजेंद्र प्रजापति अकाउंटेंट आदिल खान। समस्त देश प्रदेश जिला तहसील जनपद पंचायत ब्लॉक नगर एवं ग्राम वासियों सहित क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीमती फूलवती सिंह उपाध्यक्ष जिला पंचायत शहडोल, निवेदक उपाध्यक्ष जिला पंचायत शहडोल। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा युवा मोर्चा देवीपुरा अहमदपुर मंडल अध्यक्ष देवीपुरा अहमदपुर की ओर से समस्त देशवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मंगल शुभकामनाएं। अपील, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, विकास किया है विकास करेंगे, सबकी राय सुदेश राय। प्रीतम गौर भाजपा युवा मोर्चा देवीपुरा, निवेदक
प्रीतम कौर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मित्र मंडली देवीपुरा अहमदपुर। मैं दिनेश कुशवाहा पप्पी पार्षद प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 8 इंग्लिशपुरा सीहोर। आजादी के इस महा उत्सव में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां देता हूं। मेरे वार्ड क्रमांक 8 में निरंतर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। जय हिंद जय भारत। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि पूरे प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चल रहा है, इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सब उसमें जोर जोर से भाग लें। जय हिंद जय भारत। Awash in enthusiasm and patriotic colors of our nation, we Indians are celebrating 77th Independence Day on 15 August 2023. On this auspicious occasion, I, Akshi Nikoria, the President of the St. Trent Student Council, take the opportunity to greet every Indian on behalf of our St. Trent family before a very independent day. Thank you. मैं सरपंच राजेश कुमार मीणा, ग्राम पंचायत बाड़ेर, जनपद पंचायत नटेरन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की ओर से मेरे समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत जय सियाराम। धन्यवाद। हमारे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और एक निवेदन भी सभी शहरवासियों से करता हूँ। इस 15 अगस्त में हम संकल्प लें कि हम हमारे सीहोर को स्वच्छ सीहोर बनाएंगे, ग्रीन सीहोर बनाएंगे। उसकी उस पहल के लिए नगर पालिका परिषद आमजन के सहयोग में खड़ा है। मैं सभी आमजनों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत। मेरे सभी ग्रामवासी, प्रदेशवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सिरोही लटेरी क्षेत्र की सभी मतदाता भाइयों को और सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 18 में सभी मतदाता भाइयों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत मुख्तार नगर की ओर से मैं सरपंच बाबूलाल मालवी की ओर से सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर तिरंगा लगाएं। जय हिंद जय भारत। शासकीय माध्यमिक शाला बमूल्य द्वारा में 300 बच्चे दर्ज है एवं यहाँ पर हर वर्ष बोर्ड परीक्षा का रैंक 5वीं 8वीं का 100% रहता है। मैं समस्त ग्रामवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को ग्राम पंचायत श्यामपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद जय भारत।
शासकीय हाई स्कूल बैरागढ़ कुमान के समस्त स्टाफ की ओर से समस्त बैरागढ़ ग्रामवासी, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कल से जो है तिरंगा यात्रा जो आरंभ हो रही है, तो सभी से ये मेरा नम्र निवेदन है कि सभी जो है अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और इस अभियान को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्राथमिक कृषि साथ सहकारी समिति मर्यादित पान विहार मुख्यालय श्यामपुर जिला सीहोर की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, हर घर तिरंगा, जय हिंद, जय भारत। मैं कालेखा सरपंच, ग्राम पंचायत लखार, जनपद पंचायत नटेरन, जिला विदिशा, 15 अगस्त की शुभकामना देता हूँ। मेरे सभी क्षेत्रवासियों एवं प्रदेश देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आई फ्लू चल रहा है, सभी सतर्कता बरतें, अपने बाहर निकलें तो काला चश्मा लगा के निकलें एवं वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पी